హలో గైస్ వెల్కమ్ టు శాంత్ గడ్డ నేను మీ శాంత్ ఇవాళ మా నెంబర్ ఉన్నారు ఎవరో కాదు అందరికీ తెలుసు గౌరక్ష కాలుబాయ్ అంటారు ఆయ్ కాలుబాయ్ జైశ్రీరామ్ భాయ్ కైసే భాయ్ సబ్ మజే ఓకే భాయ్ భాయ్ తో ఆప్కు మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ కా రీజన్ తో పతా హై మే క్యూ కర్నా చా రహా హూం తో భాయ్ ఆప్ గౌరక్ష కే లియే క్యూ ఇత్నా రిస్క్ లేకే ఆప్ యే పూరా కర్ రే కౌన్ భీ ఇత్నా ఇంట్రెస్ట్ నే బతలా రే ఆజకల్ क्यों आप इतना इंटरेस्ट बतला रहे गौरक्षा हम लोग कहाँ गायें दिखे तो उन लोगों को मार देखे गाड़ियां रोक देखे आप क्यों कर रही है पूरा पहले तो आपको ये बतलाना चाहता हूँ गौरक्षा दल पूरे देश में गौरक्षा दल संगठन है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो हमारे बाजू बैठे है श्रीधर जी इनके अंडर में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गौरक्षा दल गौरक्षा होती है गौरक्षा दल इनके अंडर में होता है तो मैं बतलाना चाहता हूँ अभी आप बोले है गाड़ी रोकते मारते करते पहले तो गौरक्षा दल क्या आप वीडियो देख सकते सीधा सीधा लीगली जो भी है गौ माता के प्रति लीगली काम करते ना कि लड़ाई झगड़ा मारम थोड़ी नहीं करते लीगली गाड़ी रोकते 100 कॉल करते नहीं तो गाड़ी को देख के 100 कॉल करके पुलिस से जो लीगली उसके ऊपर FIR बुक होता है वो लीगली कार्रवाई करके ये गौशाला को सेफ गौ माताओं को भिजाते ना कि हम आज तक लड़ाई झगड़ा मारम थोड़ी गौरक्षा दल के अंडर में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ये एक भी केस है आप यूट्यूब पे देख सकते जाके पहले ये रीजन है ओके भाई तो हम तो देखे TV9 में देखे NTV में देखे उन लोगों को मारा लग के रहते और पूरे लग के खून से रहते आप गाड़ियां चढ़ा देते पूरा रोक देते मैं उसके लिए पूछा था मारते बोल के मगर आप नहीं मारते बोल रहे तो मगर मेरे को इससे ज्यादा क्या है बोले तो रीजन आप ये क्यों कर रहे बोले तो गायों का सेव कई को कर रहे आजकल कौन भी नहीं केयर कर रहे अरे चलो बोल के पूरे जने कह रहे पूरे जने यो उल्ला भी जिम करने वाले भी कर रहे पूरे कर रहे अरे मुंबई में तो अपन से ज्यादा हिंदू महाराष्ट्र में मुंबई में है कि नहीं भाई वाम परिच नहीं कर रहे उतना इंटरेस्ट नहीं बतला रहे उल्ला भी कह रहे पूरे जने कह रहे मगर आप कई को इतना इंटरेस्ट बतला रहे और आपका एज भी बहुत यंग है कैसा है बोले तो आप बोल रहे महाराष्ट्र कर्नाटक की बात बोल रहे हैं हाँ जी महाराष्ट्र कर्नाटक में भी गौ हत्या के ऊपर बयान है वहां पर भी गौ माता की हत्या नहीं होती वहां पर और तेलंगाना में असल तो पूरे ऑल इंडिया में गौ हत्या बयान है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 1977 है सुप्रीम कोर्ट का ला है ये गाय नहीं काटना बैल नहीं काटना क्योंकि ये ला रहने के बाद भी ये लीगल तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से करता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती उसके लिए करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में गाय बैल काटना इलीगल है ओएसी साहब क्या बोले जब तलक मेरे जबड़े के अंदर गोश्त नहीं जाता जब तलक मैं एक निवाला भी नहीं काटूं बोल के गाय की वो भी स्पेसिफिक से बोले तो आप क्या करना क्या बोलना चाह रहे मैं ओएसी को कहना चाहता हूँ ओएसी एक कान खुल के सुन ले मैं ये कह रहा हूँ तेको जब तलक तू तेरे जबड़े में हड्डी नहीं रहेंगी जब तक निवाला नहीं जाता बोलना मैं वैसी को बोलना चाहता हूँ एक बार शेर का मांस चक्के देके एक बार उसमें कितना मजा रहता गौ माता से ज्यादा उसमें मजा रहता वो एक बार चक्के देके एक बार वो अलग में उतार के देख वैसी को मैं बतलाना चाहता हूँ शेर तो पहचानता हूँ ना उन्होंने सुअर शेर एक बार वो मांस चक्के देख उसमें कितना मजा आता तेको जब मालूम होगा वैसी को कहना चाहता हूँ और वैसी को कहना चाहता हूँ मैं ये हिंदुस्तान है ये भाग्यनगर है आज भाग्यनगर में मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ भाग्यनगर में आने वाले दिनों में मैं बतला देना चाहता हूँ आने वाले दिनों में गौरक्षा दल ये संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में जितने भी तुम इलीगल स्लॉट हाउस खोल के बैठे ना बेटा ये जिस से बंद करके रख लो नहीं तो आने वाले दिनों में ये पूरे हम बंद करा के रहेंगे ओएसी को कहना चाहता हूँ मैं भाई अभी ओएसी को टकऑफर देने का काली राजा सिंह भाई है जी है कि नहीं मगर ये राजा सिंह भाई भी बीजेपी से हट जा रहे अच्छा दूसरे पार्टी में जा रहे सोए जहराबाद में दिए ना उनको टिकट पता नहीं अभी तो मगर क्या है बोले तो पूरे देश में एक राजा सिंह जी का भी एक माहौल है पूरे धर्म के प्रति गौ माता के प्रति राजा भाई भी काम करे उनको भी गौ माता का आशीर्वाद है मगर उनको भी पॉलिटिशियन में उतरने के कारण उनको भी ये चीजों से थोड़ा पिछड़ना पड़ा अभी आप पहले बताया गया है आप पॉलिटिशियन क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे तो ये धर्म में आने पॉलिटिशियन में आने के बाद ये चीजों से उनको भी पिछड़ना पड़ा क्योंकि थोड़ी जगहों पे क्या है पार्टी सपोर्ट नहीं करती थोड़ी जगहों पे मगर धर्म के प्रति देश के प्रति एक नंबर पे ठहरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है मगर थोड़े चीज अभी राजा सिंह भाई को नाम खराब नहीं होना बोल के राजा सिंह भाई को हटा रहे ना वो आने वाले दिनों में वो अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है आने वाले दिनों में वो
सब सेटल हो जाता हो। ठीक है भाई, अभी आप इतना बोल रहे, आपको इतने कैसा बुक वैसो है, परसों भी आप जेल में गए सो है, आपको क्या मिल रहा? आप जेल में बैठ रहे, आप इतना कर रहे, आपको जेल में जाके बैठना, फिर एक जना कॉल करके अंधेरी में जवाब में कॉला करके डांटता, आपको गालियां देता, आपको क्या मिल रहा है ये पूरा करके? आपको फायदा क्या है? गालियां सुन रहे, जेल में जाके बैठ रहे, आपका लाइफ स्पॉइल हो रहा। मैं बोलना चाहता हूँ, भगत सिंह जी को कुछ फायदा था क्या देश आजाद कराने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ, भगत सिंह को भी देश आजाद कराने के लिए कुछ फायदा नहीं था? कुछ इनकम नहीं थी भगत सिंह जी को भी? उनको भी एक जुनून था हमारा देश आजाद होना अंग्रेजों से, तो हमारा भी एक जुनून है, हमारा भी एक धर्म के प्रति कार्य है अखंड हिंदू राष्ट्र बनना, गौ माता राष्ट्र बनना, राष्ट्रमाता बनना, ये भी हमारा एक संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी आज पूरे देश में पैसे वाले, पहले भी बतलाया हूँ, मैं अभी फिर बतला रहा हूँ, जितने भी पूरे देश में पैसे वाले, सब में ज्यादा कोविड वो पैसे वालों को चाहा, क्योंकि उनका पैसा धर्म के लिए काम में नहीं लगाया उन्होंने, और अभी भी धर्म के लिए काम में नहीं लगाते, आने वाले दिनों में भी उनका पैसा कुछ काम में नहीं आएगा, और पैसे के साथ उन्होंने चल जाएंगे, ऊपर गए तो उन्होंने खाली आ जाएंगे, पैसा लेके नहीं जाएंगे। वो पैसा लेके कौन जा रहे भाई? वो सा कोई नहीं आते, बोलो ना। तो इसके ऐसे बोलते जो बड़े बड़े पैसे वाले, धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति, देश के प्रति, नौजवानों के लिए तुम्हारा पैसा खर्चा करो, तुम्हारे को आशीर्वाद मिलता बोल के हम बोलते हर पैसे वाले को। ये नौजवान बोल रहे, ये नौजवान आजकल गोलियां ले रहे, गांजा पी रहे, ड्रग्स ले रहे। यहाँ से अपन के ओल चूड़ा पूरा पूरा काम बोले तो वहां पर अपन के एरिया में ज्यादा वो रह रहा, अपन आतापुर में, मंगलाट में, ये नौ थोड़े बच्चे ये ड्रग्स ले रहे, ये क्या बोलते गोलियां ले रहे, ये क्यों ले रहे? आप लोग कई को ये नौजवानों को ये आरएसएस में नहीं, कई को नहीं भिजाते, और आप लोग ये गौरक्षा के कम्युनिटी में कई को नहीं लग ले रहे, कई को ऐसा छोड़ दे रहे। मेन दुलपेट से, मंगलाट से, और नामपल्ली मल्लेपल्ली से ये पूरा सप्लाई हो रहा। आप क्या बोलना चाह रहे? आपको पहले तो बता देना चाहता हूँ, धुलपेट को एक मुद्दा बनाकर, धुलपेट को एक मुद्दा बनाकर क्या करते है, ये ड्रग्स सप्लाई होता, गांजा अफीम सप्लाई होता बोल के कहा जाता पूरे देश, होल सिटी न्यू सिटी में। मैं सबने पहले बता देना चाहता हूँ, आज होल सिटी में, होल सिटी में ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस खुल्लेआम बिका जाता है। धुलपेट का नाम बदनाम कर वहाँ पर ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, मगर धुलपेट में तो ऐसा नहीं है। धुलपेट में ऐसे भी नौजवान है धर्म के प्रति, देश के प्रति, कभी भी काम आना है तो आधी रात को रेडी है धुलपेट के नौजवान, और धुलपेट में कोई ड्रग्स गांजा लेने वाले कोई भी नहीं है धुलपेट में, सब में पहले बता देना चाहता हूँ मैं। मगर ज्यादा वाइन चल रहा, ये आलिया का रहे, चरस मार रहे, जाके पोक दे रहे, बरोबर। ये क्यों हो रहा? ज्यादा से ज्यादा अपन के एरिया में बहुत बहुत मडरा हो रहे, बरोबर है। मगर इसके सरकार का, इसके ऊपर सरकार का एक्शन लेना होगा, सरकार लेना, पुलिस लेना इसके ऊपर एक्शन। सरकारी जब खुल्लेआम शराब की, विस्की की दुकान खोल के बैठी गली गली में, तो बच्चे तो सीखेंगे पीना। मगर हमारा ये प्रचार है पूरे देश में, गौरक्षा दल, बजरंग दल, विष्णु दुपर ये संघ की तरफ से पूरे देश में नौजवानों के लिए प्रचार करते, फिटनेस में रहना, अपना परिवार अच्छा रहना, अपना अच्छा रहना, अपना देश अच्छा रहना बोल के ये संघ का प्रचार है पूरे देश में। गौरक्षा दल, विष्णु दुपर, बजरंग दल का प्रचार है पूरे देश में। ये कल्लू कंपाउंड ओपन हो रेसो है, वाइना ओपन हो रेसो है, तेलंगाना यदि तेलंगाना ला कल्लू कंपाउंड लुंडाला, वाइन्स लुंडाला बराबर। कोविड के टाइम पे स्कूला खोले तो कुछ भी नहीं, स्कूला खोले तो कोविड आ गया, बार ये क्या बोलते सो कॉलेजा खोले तो आ गया, बार ओपन हुए तो कोविड नहीं आया, वाइन्स ओपन हुए तो कोविड नहीं आया, और कल्लू कंपाउंड करे। ये आप क्या बोलना चाह रहे? ये ऐसा खोल के गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही, आप क्या बोलना चाह रहे? ये तो 200% गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये काम होता नहीं। फर्स्ट गवर्नमेंट जितनी भी इलीगल तरीके से जितनी भी वाइन शॉपों को परमिशन दे के रहेगी, ये सबके सब वाइन शॉपों के परमिशन आप रिटर्न ले। आने वाली न्यू पीढ़ी का बारे में आप सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं बंगारू तेलंगाना हमको बनाना है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, हकीकत में हमको रियल में सचमुच में बंगारू तेलंगाना बनाना है, फर्स्ट गौहत्या बनकर ना तेलंगाना में। उसके बाद जो वाइन शॉपों के परमिशन देके रखे, ये सबके सब वाइन शॉप के परमिशन आप रिटर्न ले। हाँ। हम मैं वादा करता हूँ केसीआर, मुख्यमंत्री केसीआर को वादा करता हूँ, ये चीजों में हमारे को साथ दिए,
ये चीजों के लिए आप अच्छे के लिए सोचे तो मैं सब में पहला आउट केसीआर को उड़ डालूंगा और केसीआर के लिए मैं पूरे तेलंगाना में प्रचार करूंगा। ये तेलंगाना में ये कानून लागू है तो हाँ। तो और एक ये अभी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आजकल की जनरेशन में तो वो यूजफुल नहीं हो रहा, ये तेलुगु ऐसा, मुस्लिम ऐसा है, हिंदू ऐसा है, आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या? पूरे मुस्लिम ऐसी छे और पूरे हिंदू ऐसी छे बोल के आप बोल सकते हैं क्या? कैसा है बोले तो पूरे तेलंगाना में जिस तरह से और पॉलिटिशियन द्वारा जो जातिवादी ला रहे हैं, हिंदू में भी जातिवादी आ रही है, यादव गोली राज ऐसा हिंदुओं में भी जातिवादी आ रही है। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर जातिवादी को हटाकर हम सब मिलकर एक संकल्प लेके आगे बढ़े तो हमारा तेलंगाना आंध्र जिस तरह से हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हम सोच सकते हैं। जातिवादी को छोड़कर हम सब एक है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना बोल तो जातिवादी नहीं लाना, हम सब एक है, हम हिंदू भाई है बोलकर आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। केरला मूवी रिलीज हुआ सो है, आप देखे सो? देखा हूँ मैं, उसमें बहुत कन्वर्ट कर दे रहे लेके जाके, आप क्या कहना चाह रहे ये बात पे, ये मूवी पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुआ सो है ये? जिस तरह से जो हिंदू बहनों को झूठे जाल में फंसा कर जिस तरह से जिसका नाम अकरम रहता है, जिसका नाम सलीम रहता है, उस को कृष्णा बनाकर, उसको विवेक बनाकर, उसको होम बनाकर, उसका नाम चेंज कर हिंदू बच्चियों को, हमारी माताओं बहनों को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर भी पूरे देश में गौरक्षा दल ये संकल्प लिया गया है, उसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे बोलकर, और ये कार्य चल रहा है हमारा, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, इसको भी रोकने का प्रयास चल रहा है हमारा। मगर जो झूठा नाम लेकर जिस तरह से हिंदू बहनों को लव जात का शिकार बनाया जा रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिस तरह से हिंदू नाम लेकर तुम हमारी बहन बेटियों को लव जात का शिकार बना रहे, आने वाले दिनों में हम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम जिस भाषा में समझते हैं उसी की भाषा में हम जवाब देने के लिए, हम अच्छी तरह से, हमारे को आता है जवाब देने। अभी कश्मीर फाइल्स भी आया सो है, बीजेपी जब से आया जब से हिंदू के मुस्लिम्स के अगेंस्ट के मूवीज आ रहे सो है, कैसा आ रहे, गलत बात है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट में कोई कार्य करते नहीं, जो भी है रियलिटी सच्चाई बतला रहे, सच्चाई बतला रहे। कश्मीर जो फाइल आई थी इलेक्शन के लिए टाइम के निकाल के ऐसा कोर्ट्स के लिए कर रहे बोल के मैं सोच सकता हूँ क्या? गलत बात है, सब गलत बात है। जो कश्मीर फाइल जो थी ना उसमें 1% बतलाया खा, 1% उसमें 1% बतलाया गया, 99% अभी बतलाना था नहीं बतलाया, 1% में जो रियलिटी बतलाया उसमें ये लोग भड़क गए। अभी जो केरला स्टोरी है उसमें भी अभी बहुत कम परसेंट बतलाया गया, वो भी रियल पूरी स्टोरी नहीं बतलाया, रियल स्टोरी बतलाया गया, तो जब आगे और युद्ध और नौजवान माताएं बहनों में और जागरूकता आती ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बोले तो, अभी ये मूवीज निकाल के और हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट, अरे ये मूवी इन लोग ऐसा कर रहे, जो इनोसेंट हिंदू से जो इनोसेंट मुस्लिम से, उन लोगों को भी एक हिंदू देखे तो मुस्लिम को ऐसी सोचता, मुस्लिम देखे तो हिंदू को ऐसी सोचता, अरे पूरे ऐसी छे बोल के वो सा क्या लाना चाह रहे क्या? सब गलत बात है। मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जिस तरह से मोदी जी देश के प्रति अपने देश को जिस तरह से आगे लेके जाना है, मगर ये नहीं कि किसी कम्युनिटी को हेट पहुंचाना, वो किसी का भी वो नहीं। और शुरुआत होती वहां से, कभी भी हिंदू आगे से मुस्लिम से शुरुआत होती, दंगे फसाद बोल रहे शुरुआत यहां से होती बोल के। अब इतिहास उठा के देख लो ना, ओके इतिहास उठा के देख लो, 2002 में गोधरा कांड हुआ, शुरुआत कौन करे? हमारे साधुओं को जिंदा जला दिए गोधरा कांड, आप देख सकते हैं शुरुआत वहीं से हुई थी, हमारे से शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत उन्होंने करे खत्म हम करे, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। कश्मीर में पंडितों को खुल्लेआम, हमारी पंडित बहनों को खुल्लेआम दिन दवाले रेप कर दिया गया है कश्मीर में। इतिहास उठा के देख लो, शुरुआत वहीं से हुई, शुरुआत हम नहीं करे, शुरुआत उन्होंने करते खत्म हम करते, क्योंकि इतिहास गवाह है। जिस तरह से अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी तो शुरुआत अकबर कर रहा था मगर खत्म महाराणा प्रताप कर रहे थे, इतिहास गवाह है। छत्रपति शिवाजी भी बोले बात बोले तो इतिहास गवाह है। और एक बात बतलाना चाहता हूँ, जब 12 साल की उम्र थी शिवाजी महाराज जी की, 12 साल की उम्र में
जिस तरह से कसाई गौ माता को लेके जा रहा था, 12 साल की उम्र में शिवाजी महाराज उसको उसकी भाषा में जॉब दिए थे, वो वक्त आ गया हम पूरे हिंदू भाइयों को, उन बूचड़ों को, उन कसाईयों को उनकी भाषा में जॉब देने का टाइम अभी आ गया। ओके तो भाई अभी ये गौ माता आपका, आप इतना तो बोल रहे कि मैं गौ पॉलिटिशियन में भी नहीं एंटर होता हूँ, मेरे को जेल में, आप कितने बार जेल में गए सोए? देश के प्रति, धर्म के प्रति जेल हमारी, भगवान कृष्ण जी ने जेल में अपना जीवन, अपना जन्म लिया जेल के अंदर। हाँ सही बात है। तो जेल क्या चीज है हमारे को, जब हमारे भगवान जब जेल में पैदा होते हैं, जेल में जन्म लेते हैं, तो हमारे लिए जेल क्या है? धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति कोई जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, कितनी भी बार हमारे को देश के प्रति, धर्म के प्रति जेल में डाले तो हम जाने के लिए रेडी है। मगर मैं आज बता देना चाहता हूँ, गौ माता के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए आधी रात को कालू सिंह जेल में जाने को रेडी है। जो जितने केसा, फेक केसा, झूठे मूठे केसा लगाना है लगा लो, कालू सिंह के ऊपर, कालू सिंह डरने वाला नहीं है। आपको, आपको कितने की बार वार्निंग भी गिरे, बहुत कॉल आए वार्निंग, मार देता हूँ, काट देता हूँ बोल के, है की बात नहीं? मैं भी आपको बतलाना चाहता हूँ, अभी मेरे को थोड़ी देर पहले मेरे को कॉल आया, बूचड़ों का, मुसलमानों का कॉल आया मेरे को, फेक कॉल आया, ये लंबर है वही जो लंबर आई है जी। फेक कॉल आया मेरे को ऐसा, तुम्हारे को मार देता हूँ, कर देता हूँ। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं तुम्हारे से भी नहीं डरता हूँ, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता हूँ। आज गौ माता का मेरे को आशीर्वाद है, आपके सामने आप, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके लिए, जलने वाले हिंदू से जल के आपको थर्ड डिग्री कराए। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाह रहे आप? बोले तो ये अपन का हिंदू वाणी का नहीं देख रहे आप। हाँ। देख रहे तो मैं आगे जा रहा हूँ बोल के, वो जाने वाला भी हिंदू छे, गौ माता के लिए कर रहा, तुम लोग क्या? मैं बतलाना चाहता हूँ, वो सही हिंदू रिया, धर्म के प्रति उसको प्रेम रिया, गौ माता के प्रति प्रेम रिया, देश के प्रति प्रेम प्रेम रिया, तो इन्हें गलत काम नहीं कर सकता और कदम नहीं उठा सकता और जलता भी नहीं। हिंदुओं की नाजायज औलाद रिया हो, जो दूसरी क्रॉस ब्रीड रिया हो, तो उन्हें ये कदम उठा सकता, जो हमारे ऊपर जो कदम उठाए थे, जो हमारे के गलत सोचे थे, हमारे पुलिस से मार खिलवाए थे, वो कट्टर हिंदू की औलाद नहीं होता, वो कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड रहता हो। एक चीज याद रख लो जी, कभी भी इतिहास गवाह है, धर्म की जीत होती है। हाँ। अधर्मियों का सर्वनाश होता है। हाँ। ये इतिहास गवाह है। हाँ। तो आने वाले दिनों में धर्म की जीत होती है और हमारी जीत होती है, वैसी जैसे लोगों का सर्वनाश होता है आने वाले दिनों में, ये इतिहास बतला देगा। उनको देख के छचक रहे, आपको काला करके वार्निंग दे रहे, मैं सुन सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेली 100-150 कॉल आता है, धमकी आती, पाकिस्तान से आती, बांग्लादेश से आती, यूएस से आती, और बाजू जो मिनी पाकिस्तान है हमारे बाजू होल सिटी। पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान से आती धमकियां, मगर हम डरने घबराने वालों में से नहीं है। गौरक्षा दल पूरे देश में गौरक्षा दल का कार्य करता है, ये मेन ऑफिस हमारे अलकबर बोल के ऑफिस है ना, कई के अलकबर, ये गाय का अलकबीर, अलकबीर ये जहराबाद में है, जहराबाद में अलकबीर, अलकबीर का वाले तेलुगु वाले भी पार्टनर से बोल के सुने सो है, सब गलत बात है। इसमें तेलुगु वाला पार्टनर है ना, कोई हिंदू पार्टनर है इसमें। ये क्या है, हिंदू का नाम लगाकर ये लोग, अलकबीर बोले तो मुस्लिम का नाम है ना, नाम मुस्लिम का है ये अलकबीर, मगर हिंदू उसमें पार्टनर है बोल के, ये सब फेक न्यूज है ये। मगर एक समय पर जो दाऊद इब्राहिम था, दाऊद इब्राहिम कुछ लोगों को डराकर, कुछ लोगों को डराकर उसमें पार्टनरशिप लगाया गया था। मगर अभी किसी हिंदू का उसमें लेना देना नहीं है, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हिंदुओं के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने को देखे, मगर कुछ हिंदुओं का उसमें लेना देना नहीं है, जो भी है उसमें पूरा मुस्लिम्स का रोल है। आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप इन लोगों को बोल रहे गौ रक्षा का, मैं रक्षा करता हूँ, हत्या नहीं होना,
जब जो जो दुकान लगाए उन लोगों को जाके मारना, आप लोग कही को ये ड्राइवर पैसे देता उन्हें ट्रांसपोर्ट कर लेता उन्हें लेके जाता, आप लोग डायरेक्ट जड़ को काटना, पत्तों को कही को का पत्तों के लिए पीछे कही को भाग रहे, आप जड़ के पीछे भागना ना, जाके सीधा उन लोगों का कौन तो दुकान लगा रहे, कौन तो काट रहे, उसको दुकान लगा के बेच रहे, उन लोगों को अटैक करना, आप ये कही को पकड़ रहे, आप लोगों को ये कॉल आए तो कही को जा रहे, कॉल है तो जहाँ से गाड़ी लोड होती जो ट्रैवलिंग होती रोड पर वहाँ से भादुपुरा जैसे ये चिंगी चिल्ला ऐसा बहुत सारे स्लॉटर है, स्लॉटर में से निकल के दुकान में जाता। ओ भाई डायरेक्ट दुकान तो मालूम है ना आपको, ट्रांसपोर्ट हाँ, दुकान इलीगल है, अटैक कर देना ना उन लोगों, दुकान इलीगल है ये हाँ। ये इलीगल फेक परमिशन लेके दुकान लगा के बैठे, मगर इनको लोकल पॉलिटिशियन द्वारा परमिशन दिया गया है, जो पॉलिटिशियन द्वारा जो लीडर है इनके द्वारा इनको इनके सपोर्ट में ही लोग करते, इनको गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, इनको इलीगल है ये, मगर हम जब इसके लिए एक्शन लेने जाते, इसके ऊपर थाने पुलिस पीएस में केस बुक कराने जाते, कोर्ट में डालने जाते, तो जब क्या होता है लोकल पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, सपोर्ट करता है इनको। लोकल पॉलिटिशियन कौन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमआईएम का चलता पूरे हैदराबाद में भाग्यनगर में एमआईएम का चलता, मगर हम एमआईएम से भी डरने वाले नहीं है, जिस तरह से उन्होंने जो उनका पावर बतलाते हैं, हम भी गौ माता का पावर बतला के रुकाना चाहते हैं। और एक एक बात, आप लोगों को कहाँ कहाँ आपको नेटवर्क है, ये गौ आपको कैसा मालूम होता है यहाँ से लोड आ रहा वहां से या अभी सप्लाई हो रहा बोल के? ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे के रखे तो हम, ये ट्रक में क्या जा रहा ऑटोमेटिक कार्यकर्ता बोल देता है इसमें क्या जा रहा, गौ माता के प्रति आप देख सकते है पुलिस डिपार्टमेंट में बम स्क्वाड वाले रहते उन्होंने कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, कुत्ता कहाँ पर बम पहचान लेता, तो गौ माता के कार्य में हम ऐसे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे के रखे तो है, ऐसा हम सिखा के रखे तो है, रोड पे ट्रक गए तो बोल देता है इसमें गाय है भैंस है बैल है या किसी फूट की गाड़ी है, खाली गाड़ी को देख के बोल देते हमारे कार्यकर्ता और हम देख के बोल देते। कितने साल से भाई बोले तो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है बोले तो, आप कितने साल से, आपके कार्यकर्ता कितने साल से? हमारे फाउंडर साहब है पिछले 20-22 साल से ये कार्य में जुड़े हुए, हम भी इनका देख के इस कार्य में जुड़े तो है, और बची बात गौरक्षा दल पूरे देश में 35 ईयर अब होगा 35 से ज्यादा गौरक्षा दल को लागू हुआ खुल के, और यहाँ पर 2010 से ये जो श्री कृष्णा गौशाला अत्तापुर हमारा गौरक्षा दल का ऑफिस भी है, यहाँ पर 2010 से कार्य कर रहे हैं। आप ये फाउंडेशन आप पूरा बोले तो आप अकेले बनाए क्या, नहीं तो कितने कितने जने मिल के बनाए? सो ये फाउंडेशन क्या है, हम लोग 4-5 लोग मिलके बनाए हैं। ओके ऐसा है, मेरा नाम कोटी श्रीधर है, गौरक्षा दल देख लेता हूँ, टीटीटी गौ संरक्षण मेमोरियल टीटीटी। हाँ ओके, तो हम लोग की जैसे मैं हूँ अंतरम नरेश है एक्स प्रेसिडेंट है, जैसे कालू सिंह अभी प्रेसिडेंट है, ऐसे पवन रेड्डी उपल में रहते हैं, ऐसे 4-5 लोग मिलके बनाए हम लोग ये। ओके, हम लोग को क्यों ये थॉट आया कि ये अपन गौरक्षा बनाएंगे, दूसरे हिंदू वाणी पार्टी है आरएसएस है बहुत है, आप ये गौरक्षा का कहीं को बनाना सोचे आप? नहीं ये ऑलरेडी ये पुराना संस्था है देश भर में, पूरा 80% हम लोग गौरक्षा दल वाला ही गाय ज्यादा बचाते और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मिलके कर लेते हम लोग, लेकिन हम लोग हर दिन एक्टिविटी रहते वो लोग हम लोग मिलके करते ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमको क्या बोलते गाय है तो धरती है गाय नहीं तो धरती नहीं है, ये तो इतिहास लिखा हुआ है किताबों में, पूरे पुराने किताबों में है ये, गौ माता है तो धरती है तो नहीं तो नहीं है, ये क्या है ये रूल्स है रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस है ये पूरे, ये गाय नहीं कटना बैल नहीं कटना सब है ये सिस्टम से अलग अलग, ये पूरे छोड़ के थोड़े माइनॉरिटी वोट्स के लिए थोड़े लोगों को सपोर्ट कर रहे रूलिंग गवर्नमेंट वाले, अभी क्या तेलंगाना में कितने बचे ये 5-6% गाय बचे तेलंगाना में अभी नहीं है, ज्यादा अदर स्टेट से आ रहे अभी, ये कौन रोकना है ये मुख्यमंत्री रोकना, अभी ये मुख्यमंत्री तो अभी उन्होंने सेक्रेटरीएट बनाने में है, बहुत जने एक कुल्ली बात है ये तो, बहुत जने तो सेटिस्फेक्शन नहीं है ये पूरे स्टैचू है, ये आप लोग का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है कि हमारे को नहीं मालूम, कहीं को बोले तो पैसे नहीं है सो बहुत जने टैलेंटेड पर्सन है टैलेंटेड यूथ है टैलेंटेड छोटे छोटे बच्चे है उन लोगों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे तो कल के दिन देश के लिए कुछ से भी अच्छा ला सकते मेडल ला सकते, एक जने नया साइंटिस्ट बन सकता है अपन के देश में से एक बाहर जाए सो कंट्रिया छोड़ के यहाँ बन सकते, मगर इन लोग ये पूरे बना रहे क्या बोलते स्टैचुआ बना रहे रोडा रोडा अच्छे है सो रोडों को बैगन में मिला के फिर रोडा साइन कर रहे, ये आप सपोर्ट कर सकते क्या?
नहीं वो नया जब जो छोड़ के बनाया ना वो तो बहुत स्ट्रांग था बिल्डिंग हो सेक्रेट हो वो तोड़ने का जरूरत नहीं था। अब इनको वासी पे जाते और इन्हों गाय अगर नया घर बनाया है गो प्रवेश करे तो गाय को ले आते ना पहला फिर वही गाय को नहीं बचा सक रहे उनका पोस्ट सेव कर ले रहे हो उनका पोस्ट सेव कर ले रहे लेकिन वही गाय को नहीं बचा सक रहे और धर्म को नहीं बचा सक रहे ऐसा है। ऐसो काम करो बोले तो नहीं ऐसो काम कर रहे उन लगा दूसरे काम कर रहे आप ये इसको अग्रे हो रहे नहीं हो रहे नहीं आप बोले ना इसके पहले एक जो गरीबों को स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स के लिए वही पैसा लगा तो आज मेडल लाते थे अपन देश में ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में वही पैसा लगा तो वो लगा ना पैसा वो इधर ऑलरेडी 4-5 लाख करोड़ कर्जा है तेलंगाना का फिर ये कहीं उसमें एक्स्ट्रा वही डेवलपिंग को लगाओ गरीबों को स्टूडेंट्स के ऊपर लगाओ खाली वोट कैसा डालना अट्रैक्ट कैसा करना वोट डाला ले रहे बाद में 4 साल भूल जा रहे लोग ऐसा बहुत है हर पास मीडियम गरीबी है गरीबी में है तो ये क्या बोले तो ये बहुत सारा चीज है गरीबों में उसको ग्राउंड से मालूम नहीं कर सक रहे लोग कैसा वोट गिरना वही प्लानिंग कर ले रहे पॉलिटिशियन पार्टीज वो गरीबी कहाँ से जाता कई लोग मुंह से नहीं बोल सक रहे हर समाज में ही है गरीबा ये पूरा रोकना पड़ता है। आजकल पूरे बच्चे क्या बोले तो फोन मालूम हो रहा इंस्टाग्राम मालूम हो रहा यूट्यूब मालूम हो रहा छोटे छोटे बच्चों को उन लोगों के जब वो टाइम पे तो उन लोगों के तकलीफा है सो बोल नहीं सक रहे थे मीडिया के पास जाना बोले तो डर रहे आज फोन सामने कैमरा ओपन कर रहे तकलीफा बोल रहे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही मीडिया बोले तो गवर्नमेंट तेलंगाना में क्या देश में क्या पूरा जातिवाद ला लिया फिर ये जातिवाद से बहुत खतरा हो रहा देश को ये सब मिलके जाना सब मिलके गरीबों दूर करना पड़ता। और एक बात क्या बोले तो यहाँ पर जो तेलंगाना में अभी से पॉलिटिशियन पार्टियाँ जो भी है एमएलए को जिसको चांस है जो बी फॉर्म मिल रहा टिकट मिल रहा उन अभी से दारू की बोतल दे रहा डेली 500 रुपये दे रहा अभी से ये नहीं होता ऐसा देश आगे नहीं बढ़ता ऐसा करे तो ये गौ माता रक्षा से कुछ से भी अपन के देश को और नौजवानों को कुछ से भी बोले तो लाइफ चेंज होता क्या नहीं ये अच्छा काम के लिए तो शगुल बहुत होता है जैसे अपने कालू भाई ये लो अपने प्रेसिडेंट है गोरक्षा दल के अब इनके ऊपर 27 केस आए और 3 बार गाय बचाने में 3 बार 3rd degree यूज करे इनको इसमें मैं ये कम्युनिटी के लिए बदलाम नहीं करूँ एमएम वाले बोले थोड़े लोग अपने लोग हाथ है इसमें कि भाई इन बहुत आगे जा रहा एक दो बार खड़े डिस्टर्ब अपने लोग अभी और ज्यादा लोग पॉलिटिक्स के लिए वोट के लिए खड़े हो लोग मेजोरिटी पीपल्स के लिए वोट के लिए होना बोल के 10-12% होना है उनको वोट गिरना बोल के गवर्नमेंट भी इनको अंदर डाले मारे भी ऐसा 20-25 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस है सबसे ज्यादा कालू भाई के ऊपर है और बहुत लोगों के ऊपर केस है ऐसा गाय नए बचाने के लिए केसा बुक करो तो गाय के लिए रोड पे नहीं आता बोल के केसा सबके ऊपर डाले इवन मेरे ऊपर भी डाले केसा हम बाहर कलेक्शन नहीं करते हम लोग मैं जमीना बेच के इसमें लगा तुम्हें हम लोग तो छोटे छोटे जमीना लेके बेचते रहे जो भी प्रॉफिट 90% हम गोरक्षा में और गोसेवा में लगाते ऐसा मामला समझे और क्या है बोलते ये कानून है गाय नहीं कटना। अब मैं मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाय ये इलेक्शन में मैनिफेस्ट में लगाना गो हत्या बंद कर दे बोल के और हर घर में गाय दे तो बोल के लगाना पड़ता मुख्यमंत्री को। एक पार्टी जो गाय गाड़ी पर ट्रक लगते हैं टीआरएस वाले कोई भी नहीं आते हमारे पास गाय को बोलोगा गाय बोल के प्रेम नहीं है क्या गाय का कानून नहीं है क्या गाय उनके घर में नहीं ले रहा क्या गाय गो ऑपरेश के लिए कहीं क्यों नहीं आते लोग सपोर्ट कहीं क्यों नहीं करते आना पड़ता सब पार्टियों में सब मिलके गाय बचा लेंगे अपन मेरा रिक्वेस्ट है। तो भाई आपको ये 3rd degree करे सो है इतने बार तो और करे सो भी अपने वाले है बोल के बोल रहे तो आपने वाले है सो गाय भी अपने ही छे ना बरोबर है कि नहीं तो अपने वाले बोले तो आप आगे बढ़ रहे बोल के भगवान को भी नेकर करके वो जलना आपके ऊपर करके 3rd degree करे जब आपको कैसा लगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता गौ माता का आशीर्वाद है हमारे ऊपर 3rd degree नहीं 5 degree भी हमारे को इस्तेमाल करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को। देश आजाद के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव जी ने देश आजाद के लिए अपनी पीटी का चमड़ा पलटवा लिया अंग्रेजों से मार खा के उतनी मार खाए अपनी पीटी का उनकी पीटी का चमड़ा पलट गया देश आजाद के लिए। हम भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारी भी पीटी का चमड़ा पड़ेगा जब तक हम भी रेडी है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आप देखे ना इंटरव्यू कालू भाई का, राइट। सो कालू भाई एक ही बात बोल रहे कि प्रेसिडेंट साहब की एक ही बात बोल रहे कि गौरक्षा को राष्ट्र माता बनाना, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना बोलकर ये संकल्प लिया गया है। पूरे देश में गौरक्षा के प्रति एक हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है सतीश शर्मा जी, उन्होंने भी पूरे देश में गौ माता के प्रति कार्य कर रहे हैं और उनका देख के श्रीधर जी का देख के हम भी ये फील्ड में उतरे। कालू भाई प्रेसिडेंट के साथ और फाउंडर के साथ के साथ कोटी श्रीधर जी के लिए, सो गौरक्षा को बचाओ और अपन क्या हिंदू रहें दो, मुस्लिम रहें दो, कौन तो भी रहें दो, एक एक लड़ लेना भी नहीं कर लेना भाई, पूरे भाई भाई उनके वैसा रहने का रहता। सो गाइस साइनिंग ऑफ, शांत काट।